हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रजिस्टर कलर कोड्स देखेंगे। ये हमारा फिजिक्स का फिट टॉपिक है। मैंने फिजिक्स में आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मतलब नीट में मैंने लगभग लगभग 50-60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे लगभग लगभग 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो है 300 टॉपिक, लेकिन अगर अपन पहले 50-60 टॉपिक कर ले तो अपने एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे, जिनसे मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको लॉजिक गेट्स करा दिया है, ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं वो करा दिया है, डी ब्रोगली करा दिया है। आज हम रजिस्टर कलर कोड्स देखेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा और इससे जनरली 1-2 साल में क्वेश्चन नीट में आ जाता है। तो रजिस्टर कलर कोड्स जो होते हैं ना, वो कार्बन के रजिस्टर्स होते हैं। तो ये एक्चुअली इनएक्सपेंसिव होते, ज़्यादा महंगे नहीं होते। इनका एक्सटेंसिव यूज़ किस में होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होता है। छोटे साइज के होते हैं और हम इनमें क्या करते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। मतलब जो रजिस्टर है इसमें हम वैल्यूज़ देंगे यूजिंग अ कलर कोड। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब इस रजिस्टर से हम इस कलर कोड से कैसे हम मतलब लिखते हैं, रजिस्टेंस कैसे लिखते हैं ओम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कलर याद रखना है, कलर नंबर मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। तो देखो, कभी भी याद रखो, जब आपको नंबर देना हो तो पहले तो आप कलर याद रखो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। इस तरीके से तो कलर याद रखना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, बी बी रॉय। ग्रेट ब्रिटेन गया, बी बी रॉय वेंट ग्रेट ब्रिटेन, हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। बी बी रॉय वेंट ग्रेट ब्रिटेन, हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। अब आपको सवाल आएगा कि सर यहाँ तो 3 बी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बी क्या है? तो कभी भी ना, आपको जब बी पता करना है कौन सा क्या, तो आप डार्क टू लाइट जाओ। क्या 3 बी में सबसे डार्क क्या होगा? ब्लैक होगा ना। फिर अगला डार्क क्या होगा? ब्राउन होगा। अगला डार्क क्या है, उसके नीचे क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर उसके बाद ब्लू। उसी तरह आप 2 जी भी हैं यहाँ, ग्रीन और ग्रे। तो सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन, फिर क्या आएगा? ग्रे। अब आप मेरी बात सुनो, आपको नंबर्स क्या क्या देने हैं, नंबर मल्टीप्लायर टॉलरेंस अभी यहाँ दिखेगा आपको। नंबर क्या क्या देने, ब्लैक को आपको 0 नंबर देना और वाइट तक आपको 0 से 1 to 9 तक नंबर देना है। मल्टीप्लायर में आपको क्या करना है, मतलब 10 रेस टू मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लायर में 10 रेस टू 0 क्या होगा? 1 होगा। और उसके बाद ब्राउन रेड सबको 10 रेस टू 1, 10 रेस टू 2, 10 रेस टू 3, ऐसे वाइट तक आपको 10 रेस टू 9 तक जाना है, और गोल्ड सिल्वर को 10 रेस टू -1 और 10 रेस टू -2। और टॉलरेंस क्या देना है आपको, टॉलरेंस कभी भी परसेंटेज में होता है। तो गोल्ड का परसेंटेज 5% होगा, सिल्वर का 10% एंड नो कलर का 20%। ये हो गया नंबर मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। तो हर कलर का आपको नंबर पता होना चाहिए, हर कलर का मल्टीप्लायर पता होना चाहिए, और जितने कलर के टॉलरेंस दिए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब कलर कोड में बैंड्स क्या शो करते हैं, जो फर्स्ट 2 बैंड्स होते हैं ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट शो करते, मतलब 2 नंबर शो करते हैं, जो रेजिस्टेंस का 2 नंबर होता है वो शो करते हैं। 3rd बैंड क्या शो करता है? मल्टीप्लायर। और 4th बैंड क्या शो करता है? टॉलरेंस शो करता है परसेंटेज में। अभी आपको समझेगा मैं जब इसको सॉल्व करूँगा। जैसे पहला बैंड क्या है? रेड। तो फर्स्ट 2 बैंड मैंने क्या बोला? सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि नंबर। ठीक है, तो रेड का नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? ग्रीन है ना। ग्रीन का नंबर क्या होता है? मैंने कहा ना, फर्स्ट 2 बैंड जो होते हैं वो 2 सिग्निफिकेंट शो करते हैं, मतलब 2 नंबर शो करते हैं। ग्रीन का नंबर क्या है? 5 है। ठीक है, थर्ड कलर क्या है? वायलेट। क्या थर्ड जो मैंने बैंड बताया वो मल्टीप्लायर होता है, और वायलेट का मल्टीप्लायर क्या होगा? 10 रेस टू 7। ठीक है, फोर्थ बैंड क्या होता है? टॉलरेंस शो करता है परसेंटेज में। यहाँ मेरे को गोल्ड कलर नहीं था और नो कलर नहीं था, तो मैंने इस कलर से दिखाया। नो कलर क्या होगा? नो कलर का टॉलरेंस कितना है? 20%। तो प्लस और माइनस 20%। शायद अब आपको कलर समझ गया होगा। तो मतलब फर्स्ट 2 बैंड्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? फर्स्ट 2 बैंड्स तो आपको नंबर ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर शो करते हैं, मतलब कि नंबर शो करते हैं। तो आपको नंबर पता होना चाहिए सारे कलर के। थर्ड बैंड क्या शो करता है? मल्टीप्लायर शो करता है। और फोर्थ बैंड क्या शो करता है? टॉलरेंस शो करता है इन परसेंटेज, जिसमें से गोल्ड का 5 होता है, सिल्वर का 10 होता है, और नो कलर का 20% होता है।
ठीक है। अब हम इनके सम्स देखते हैं, इनके सम्स पूछ ले जाते, ज़्यादा नहीं, दो तीन वेरिएशन के इनके सम्स है जो हर पूछ सकता है नीट में। जैसे कि ये नीट का ही क्वेश्चन है, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, मेरे टाइम का। इसमें क्या पूछा है, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवेन बिलो। एक आपको डायग्राम दिया, उसमें कलर कोड दिखा दिया है। पहला कलर क्या है, येलो है, दूसरा क्या है, वायलेट है, तीसरा क्या है, ब्राउन है, और चौथा क्या है, गोल्ड है। और आपको दिए हुए ऑप्शंस में बताने। तो सबसे पहले इस सवाल को करें कैसे, अब आपके पास हमेशा चार्ट नहीं रहेगा, आपको खुद आना चाहिए। कैसे, पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर होता है ना, थर्ड तो मल्टीप्लायर होगा और फोर्थ क्या होगा, टॉलरेंस होगा। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालते हैं। तो उससे पहले आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, बीबी, रॉय, वेंट, ग्रेट ब्रिटेन, वेंट नहीं है यहाँ, डायरेक्ट ग्रेट ब्रिटेन लिखना है, ठीक है, हैज़ वेरी गुड वाइफ, फिर गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। तो आप नंबर इनको असाइन कर दो, बी जीरो से स्टार्ट करना, याद रखना नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको किसका कलर पूछा है, येलो का कलर, येलो का नंबर पूछा है। सबसे पहले कलर क्या है, येलो, तो उसका नंबर क्या होगा, 4। दूसरा कलर क्या है, वायलेट, वायलेट का नंबर क्या है, 7। फिर आपको मल्टीप्लाई करना, ऑप्शन में कुछ भी हो आप पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई में जो आपको थर्ड कलर ढूंढना है वो ब्राउन है, तो ब्राउन का नंबर क्या है, आप भी सोचो और बताओ ब्राउन का नंबर क्या है, क्या 0 है ब्राउन का, ब्राउन का क्या होगा। अभी आपको मल्टीप्लाई देखना है ना, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 10^0, फिर 10^1, 10^2, ऐसे करके होगा, ठीक है। क्या ब्लैक के बाद ब्राउन आता है, तो मल्टीप्लाई अपन किससे करेंगे, 10^1 से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको टॉलरेंस क्या, गोल्ड दिया हुआ, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, 5%, तो प्लस और माइनस 5%। तो सबसे पहले 10% वाला ऑप्शन तो आप पहले ही काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये 47 × 10 करेंगे तो क्या 470 आएगा, 470, और प्लस और माइनस कितना आएगा, 5%। तो क्या इसका ऑप्शन 470 किलो ओम हो सकता है, नहीं, आंसर तो ओम में आता है ना, तो ये गलत हो गया, 4.7 किलो ओम हो सकता है, नहीं। अगर आप इसको किलो ओम में करने की कोशिश करोगे तो 0.470 किलो ओम होना चाहिए, 4.7 नहीं, तो सी ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी, क्यों, क्योंकि ऑप्शन डी में 470 ओम और 5% दिया है, ये जो आंसर आता है ना ये ओम में आता है, ठीक है। ओम में आए आंसर को हम किलो ओम में बदल सकते हैं, और क्या 5% भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब आपको नेक्स्ट जो सवाल पूछा है, नेक्स्ट सवाल थोड़ा आपको इसको सॉल्व करना, मतलब समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि अपने को समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है हम इसमें गलती कर जाएं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, अ कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 प्लस और माइनस 4.7 किलो ओम। अब यहाँ किलो ओम में दिया है, ठीक है। इस टू बी मार्क विद द रिंग्स ऑफ अ डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन कलर कोड। या तो आपको कलर कोड से ओम पूछ सकता है वैल्यू, या तो आपको वैल्यू से कलर पूछ सकता है, यहाँ वैल्यू से आपको कलर पूछा है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको जो वैल्यूज़ है ना, अगर आपको वैल्यूज़ जो है वो किलो ओम में दिए, तो पहले आप मल्टीप्लाई करो। अब आपको यहाँ सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो क्या किलो ओम है, तो मतलब ये 10^3 है, तो 10^3 से मल्टीप्लाई करो, 10^3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 47,000 प्लस और माइनस 4700 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 47,000 को मल्टीप्लायर और नंबर में बदलना है। तो 47,000 में आपको सिर्फ दो नंबर ले सकते हो, तो कौन से दो नंबर बचेंगे, 47 मल्टीप्लाई क्या होगा, 10^3 प्लस और माइनस, क्या 47,000 का 10% होगा, तो प्लस और माइनस 10%। अब आपको कलर निकालना है, अब आपको कलर कोड याद होना चाहिए, पहले तो आप पीछे नहीं देखेंगे, पीछे आपको खुद ही रटना है, तो बीबी रॉय, फिर क्या है, वेन, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, 0 1 2 3 4, 4 मतलब येलो कलर, तो पहले तो ए और डी ऑप्शन तो पहले ही चला गया, ठीक है। 7 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कौन सा कलर होता है, वॉयलेट, मतलब ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि यहाँ ग्रीन दे दिया, तो आगे तो आपको देखने का गरज ही नहीं है, मतलब येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर, ठीक है। 10^3 किसके लिए आता है, ऑरेंज के लिए आता है ना, ठीक है।
तो आपको ऐसे सब कभी कभी क्या होता है, सवाल में आपको परसेंटेज नहीं दिया होता है, तो कभी भी अगर आपको किलो ओम के में दिया हो तो सबसे पहले आप उसको किस में करेंगे, ओम में करेंगे। फिर ओम में करके आप उसको नंबर के फॉर्म में करेंगे, दो नंबर में करेंगे, एक मल्टीप्लायर में करेंगे, और जो भी आपको प्लस और माइनस के बाद दिया है उसको आप परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे। यहाँ 10% कैसे आया, 10% मुझे यहाँ कैसे पता चला, 10% इस तरह पता चलेगा क्योंकि 47,000 का 10% क्या होता है, 4700, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या बोला है कि आर रजिस्टर इज मार्क विद द रिंग कलर्ड ब्राउन ब्लैक ग्रीन एंड गोल्ड, द रजिस्टर इन ओम इज, ये सवाल इजी पूछ दिया है, डायरेक्ट इसमें ओम में पूछ दिया है। तो सबसे पहले तो आपको कलर याद होना चाहिए, बीबी रॉय वेंट ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो क्या ब्राउन कलर बोला, तो ब्राउन कलर के लिए कौन सा नंबर रहेगा, 1। फिर क्या उसके बाद ब्लैक बोला है, ब्लैक के लिए कौन सा नंबर रहेगा, 0। देखो ये 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ग्रीन बोला है, ग्रीन थर्ड मल्टीप्लायर क्या है आपका, ग्रीन है। 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 10^5। और टॉलरेंस क्या दिया हुआ है आपको, गोल्ड, मतलब कि प्लस और माइनस 5%। तो क्या 10 इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 × 10^6 प्लस और माइनस 5%। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ कलर कोड्स के तो सवाल खत्म हो गए, इसके इतने ही वेरिएशंस नीट में पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि 4 नंबर का इसका वैल्यू है। तो इसको आप करके जाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो से अलग कोई फिजिक्स का टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।